अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। इट्स मी फूड गर्ल। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड रोल्स। सो बहुत ही इजी और झटपट बन जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली 2 गाजर छोटी साइज की, जिनको मैंने यूँ छोटा छोटा काट लिया, क्योंकि हमने ब्रेड रोल बनाने हैं तो फ्राई करते वक्त रोल फट ना जाए, इसलिए हमें वेजीज का साइज बिल्कुल छोटा रखना होगा। यहाँ पे इसी तरह मैंने 2 शिमला मिर्च ले ली, उनको भी मैंने यूँ छोटा छोटा काट लिया। और यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन बोनलेस लिया था, जिसको मैंने नमक मिर्च डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया था और यूँ श्रेड कर लिया। और यहाँ पे मैंने छोटी बंद गोभी ली, उसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया यूँ। तो चलें अब हम चलते अपने स्पाइसेस की तरफ। यहाँ पे हमारे स्पाइसेस हैं, 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर ले ली, काली मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्च ले ली, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर ले लिया। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को कूट के भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और चिली सॉस भी मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून। ये अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड रोल बना लिया है, दूसरा मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ और फिर बाकी मैं ऑफ कैमरा बना के आप लोगों से मिलूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ब्रेड ली साइडों से, उसको बिल्कुल मैंने अच्छे से काट लिया, और यहाँ पे अब मैं इसको शेल्फ पे रख के थोड़ा सा टैप टैप करूंगी, और फिर मैं दोनों हाथ अच्छे से गीले कर लूंगी और फिर ब्रेड को टैप टैप करूंगी, क्योंकि ब्रेड जितनी गीली होगी हमारे ब्रेड उतने ही अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बैटर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे, ब्रेड रोल हैं बहुत ही आराम से बनाएंगे हम इनको। अब यहाँ पे हमने इसको यूँ फोल्ड कर लिया, हाथ गीला कर लिया, फिर हमने यूँ इसको यूँ कर लेंगे, फिर हाथ गीला किया, फिर यूँ बनाएंगे, फिर हाथ गीला किया, जहाँ से टूट रहा है हम वहाँ पर गीला करके यूँ जो साइडों से काटा है वो लगा देंगे। और ये बस यूँ ब्रेड रोल बस प्रेस प्रेस करते रहेंगे हाथ गीले कर करके। और ये देखें कितना प्यारा हमारा ब्रेड रोल बन गया। बस जितने हाथ गीले करेंगे उतना ही ये प्यारा और अच्छे से बनेगा। साइड जो हमने काटे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, जहाँ से फट रहे हैं हम वहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रेड रोल एक बनकर तैयार हो चुका है, बाकी मैं बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हमारे रोल हो गए रेडी। अब सबसे पहले हम एक रोल लेंगे और पहले अंडे में डिप करेंगे अच्छे से, उसके बाद ब्रेड क्रम्स।
और ये जो ब्रेड क्रम्स है मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ क्योंकि घर वाले बहुत ही अच्छे होते हैं और इससे क्रिस्पी भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट वाले। तो यहाँ बेक रेडी हो गया है, अब इसी तरह मैं सारे बना के फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। चले जी अब हम इनको करते हैं टेस्ट। देखें कितने क्रंची हैं, अब अंदर से देखते हैं इनको कितने प्यारे अंदर से बने हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।